नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूथ तक में। दोस्तों आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली हुई वैकेंसी जो है जूनियर एसोसिएट की। दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी है, दोस्त लोग बहुत दिनों से मेरे साथी और जो तैयारी कर रहे थे इस वैकेंसी की, बहुत तैयारी की कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे जो वैकेंसी आएगी। और दोस्तों वो वैकेंसी आ चुकी है, इसका फॉर्म भरने की तारीख है 3 जनवरी 2020 से लेकर 26 जनवरी 2020 तक। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम है फॉर्म भरने का, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो वो भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी या मार्च में होगा दोस्तों। एग्ज़ाम 19 मार्च को एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और एग्ज़ाम सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया ले सकते हो दोस्तों। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, जैसे कि गुजरात में निकली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, दोस्तों बहुत सारी स्टेट में, बहुत सारी सिटीज़ में वैकेंसी निकली है। आप ये पूरी वैकेंसी देख सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया वैकेंसी, इसका पे स्केल भी बहुत ज़बरदस्त है। आराम से आप फॉर्म भर सकते हो, बहुत सारी 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। बैकलॉग में भी 90 वैकेंसीज थी दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसमें SC ST कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं, EWS सब के लिए वैकेंसी है दोस्तों। आप तैयारी करिए और ज़्यादा फीस नहीं है, फॉर्म फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है, रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको। एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो वही रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST के हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD जनरल से हो तो आपको 10 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और PWD फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी है उसमें आप SC ST के कैंडिडेट हो तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी दोस्तों, आप लोग इसमें आप बिल्कुल अप्लाई करिए दोस्तों, भूलिएगा मत। आराम से पेपर निकल जाएगा, बहुत आसान पेपर आता है दोस्तों। उसमें पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ्स के 35 क्वेश्चंस रहेंगे। ओरिजिनल एलिबिलिटी जो होती है उसके 35 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 1 घंटे का टाइम रहेगा। और तीनों पैटर्न्स के लिए दोस्तों 20-20 मिनट का एग्ज़ाम क्लियर करने का टाइम रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा ये प्रीम होने के बाद दोस्तों मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम भी आपका कुछ दिनों बाद मार्च के बाद अप्रैल में एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जिसमें कि आपको सेकंड एग्ज़ाम का आता है मेन। उसमें दोस्तों जनरल के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। और जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 200 मार्क्स का रहेंगे। और दोस्तों 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों इसके लिए। उसमें एक्स सर्विस मैन के लिए बहुत अच्छी एक रिलैक्सेशन भी है दोस्तों। आप अगर आपका कोई जान पहचान का एक्स सर्विस मैन है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको लाते रहूँगा दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, फीस स्ट्रक्चर SC ST के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, 0 पैसे लगे। अगर आप जनरल OBC या EWS से हो तो आपको 750 रुपीज़ आपको फीस पे करनी पड़ेगी दोस्तों। बाकी सब बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी चाहिए तो ये रहा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी। आप दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन पे मैंने पॉज कर दिया है, और पूरी जानकारी ले सकते हो दोस्तों। कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा दोस्तों, पूरे फॉर्म कैसे भरना है, इसमें सब जानकारी दी हुई है, आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।